विजिलेंस जी एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है जिहड़ी कैप्टन अमरिंदर सिंह दे अंडर काम करती है। मैं कैप्टन साहब नूं कहना चाहुंदा कि जे तुहानूं अपनी इस एजेंसी दे उत्ते अपने इस विंग दे उत्ते भरोसा ही नहीं तो फिर इहनूं भंग कर दिओ। इहनां दीआं ड्यूटियां चौंकां दे विच ते फील्ड दे विच लाओ। विजिलेंस ब्यूरो ने कोरोना महामारी दीआं जाली रिपोर्टां जारी करके लोकां दीआं जानां नूं खतरे विच पाउण अते कतल दे दोषां तहत अमृतसर दे तुली डायग्नोस्टिक सेंटर दे मालकां सने चार व्यक्तियों खिलाफ केस दर्ज किया। इस तो इलावा प्राइवेट हस्पताल दे मालक ते उसके डॉक्टर खिलाफ प्रयोगशाला विच मिली भुगत करन अते धोखाधड़ी करन दे दोष हेठ भी केस दर्ज किया गया सी। मुलजम डायग्नोस्टिक सेंटर दे मालक डॉक्टर रॉबिन तुली, उसकी पत्नी डॉक्टर रिदम तुली, डॉक्टर संजय पिपलानी, डॉक्टर महेंद्र सिंह, EMC सुपर स्पैशलिटी हस्पताल दे मालक डॉक्टर पवन अरोड़ा, डॉक्टर पंकज सोनी सन। इस दे संबंध च मनदीप सिंह मन्ना ने कहा कि लोगों ने सरकार की शलाघा की सी पर सरकार ने लोगों नूं दरकिनार करते हुए यह केस लोकल पुलिस नूं सौंप दिता है ते उन्होंने सरकार दे इस फैसले की निंदा की है। उन्होंने कैप्टन सरकार ते कई सवाल भी खड़े किए ने। मन्ना ने सवाल करदे कहा कि कैप्टन सरकार नूं विजिलेंस जांच ते जे भरोसा नहीं तो इस नूं भंग कर देना चाहिए। साथियों कल मैं एक खुलासा किया EMC अस्पताल के बाहर जाके कि EMC ते तुली लैब के उत्ते जिहड़ा केस रजिस्टर किया गया सीगा उहदे विच होण की जा रहा, सरकार करना की चाहुंदी उहदे विच, कि दोषियों की एक मंग सीगी कि साडी जिहड़ी इनकुआयरी है उह विजिलेंस तो वापस लैके लोकल पुलिस कोलों कराई जाए। और इत्थे मैं दस दवां कि सरकार ने दोषियों नूं छड्ड के किसी की भी नहीं सुनी कि लोगों ने किन्ना सलाया सीगा इस परचे तो बाद। मेरा ख्याल शायद पंजाब के 99.99% लोगों ने सरकार की सिफत की सी और सरकार ने कुछ नहीं देखा। और अज एक पत्र जारी कर दिता गया कि यह जिहड़ी जांच विजिलेंस तो लैके तो लोकल पुलिस नूं दित्ती जांदी आ, लोकल पुलिस करूगी। हुण सवाल यह खड़े होंदे आ कि विजिलेंस जिहड़ी एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है जिहड़ी कैप्टन अमरिंदर सिंह दे अंडर काम करती है। मैं कैप्टन साहब नूं कहना चाहुंदा कि जे तुहानूं अपनी इस एजेंसी दे उत्ते अपने इस विंग दे उत्ते भरोसा ही नहीं तो फिर इहनूं भंग कर दिओ। इहनां दीआं ड्यूटियां चौंकां दे विच ते फील्ड दे विच लाओ। वाधू तनखावां दा बोझ क्यों पाया जा रहा जे इहनां कोई काम ही नहीं करना। विजिलेंस उह एजेंसी आ, मैं लोकां नूं दस दवां कि जिहड़ी लोकल पुलिस दीआं कई इनकुआयरीज करदीआं उहदे उत्ते परचे दिंदी है, चाहे वह पैसे लैंदे ने, चाहे वह होर किसी तरह की करप्शन करते हैं, उन्हां दे खिलाफ विजिलेंस परचे दिंदी है। यह शायद पहली वारी होया कि विजिलेंस दे दित्ते परचे की इनकुआयरी जिहड़ी लोकल पुलिस करूगी। इत्थे मैं भी दस दवां विजिलेंस का सीधा संपर्क जिहड़ा उह CM दे नाल हुंदा ते जे जांच ही विजिलेंस ने नहीं सी करनी फिर परचा किहदे हुक्मां दे उत्ते दित्ता गया। परचा देण दा मुख मकसद लोकां नूं इंसाफ देना सीगा कि जां इहनां तनाड़ लोकां कोलों सौदेबाजी करके पैसे ठगड़े सीगा। जे जांच चेंज करनी सी सरकार ने तो फिर हाई कोर्ट के किसी सिटिंग जज तो करा लेंदे, विजिलेंस एडे वधिया अफसर बैठे ने श्री LK यादव जी उन्हां तो करा लेंदे, कुंवर विजय प्रताप होणा को करा लेंदे, किसी भी अफसर कोलों करा लेंदे। लोकल पुलिस नूं जांच देण दा मतलब की सीगा? जिन्हां दी देख रेख च जांच होनी आ, साडे शहर दे कमिश्नर ने सार सुखचैन सिंह गिल, डॉक्टर सुखचैन सिंह गिल, मैं नहीं कहिंदा उह माड़े अफसर ने, बहुत वधिया काम कीता उन्हां कोविड दे दौरान, इस करोना दे दौरान उन्हां दी कारगुजारी बेहद वधिया रही और इमानदार ने, कदी कोई पैसे की शिकायत नहीं आई। पर उपरों दबाव ही इन्ना कि जेड़े लोग अपनी मर्जी दे नाल इनक्वायरी चेंज करा सकते हैं और उन्हां दोषियों की फेवर दे विच पंजाब दे DGP ने 20/6 नूं एक ट्वीट किया होवे उन्हां दी फेवर दे विच ते की कमिश्नर साहब उन्हां नूं सज़ा दे पाउणगे? हालात तां उह बड़े पए आ सूबे दे कि देखोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें, ढूंढोगे तो इस शहर में कातिल ना मिलेगा। मैनू समझ नहीं आउंदी जिस मुद्दे ते CM साहब दीआं इन्नियां स्टेटमेंट आईआं अखबारां दे विच, TV चैनल दे विच कि केस दी इन्वेस्टिगेशन मेरी देख रेख दे विच निरपक्ष तौर ते होगी। ते अज तो बाद जिन्नियां भी प्राइवेट लैब्स ने और हॉस्पिटल ने उन्हां दी मोनीटरिंग जिहड़ी विजिलेंस करूगी है कैप्टन अमरिंदर सिंह दे मतलब दावे ते उन्हां दीआं रिकॉर्डेड जिहड़ियां वीडियोज ने ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਐਡੇ ਕਿਹੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟੋ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੇ ਐਡੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ? ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਇੱਕ ਸੇਫ ਪੈਸੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
इस जांच का रिजल्ट की आना। अज मैं पहला ही लोगों को दस दिना, मैं अगे भी कहा कि पब्लिक वालों की कोई भी कंप्लेट जी जांच कभी भी पब्लिक के हक के नहीं होंगी। यदा रिजल्ट की आना, यदि डील की होनी है मेरे को सुन लो कि 307 उन्होंने धारा लगी वो टुट जानी है, इनकुआरी उन्होंने लग जानी है, जां दोषी अपनी बेल वापस ले लेंगे, नहीं तो उन्होंने को रेस्ट स्टे करा के ते इन्वेस्टिगेशन उन्होंने को ज्वाइन करा ली जाऊगी। जेड़े लोग अज 15 दिनों तो भजे फिरते आके अपनियां दुकानां ते बह के फिर ठगियां मारनगे, इस तो बाद परचा चलूगा लंबा समा ते विक्टिम ते दबाव पाया जाऊगा किसी नूं किसी तरीके का भी, कोई पैसे का हो, कोई ताकत का हो। जेड़े लोग सरकार ते इन्ना दबाव पा सकते हैं कि वह इन्हां लोगों के उत्ते दबाव नहीं पाउणगे कि जिवें मेरे माता जी के इलाज बारे AMC ने दस्या, लोकल पुलिस की जांच करन तो पहला शहर के पुलिस अफसर यह दसन कि किन्ने पुलिस अफसर के किन्ने मुलाजमान के किन्ने उन्होंने रिश्तेदार इलाज AMC के फ्री होए आ और किहड़े जे पैसे दिते आ ते किहड़े अकाउंट चो पैसे गए आ। जे इन्ना इन्हों का लिहाजी रहा फिर की इहदे खिलाफ जांच कर लैणगे, इह ते लोकां नूं समझाउण और मैनू यह दसण च कोई गरेज नहीं। इस काम बारे अज यह सरकार की करतूत बारे अज मैं सार सुखबीर सिंह बादल नाल भी फोन दे उत्ते गल कीती है, आम आदमी पार्टी के प्रधान सार भगवंत सिंह मान उन्होंने भी मैं गल कीती है, सार सुखपाल सिंह खहरा नाल भी यह गल कीती है कि यह सरकार ने कीता इहदे खिलाफ आवाज जरूर चुको। और एक मैं सार जतेंद्र सिंह पन्नू जिहड़े पंजाब दे मसले बड़े सुचजे ढंग नाल चुकते ने, उन्हां नूं सारा कुछ मैं अज डिटेल च समझाया कि पन्नू साहब देखो हो सकता मैं भी कितने गलत होवां, इहनूं चंगी तरह वाचो और इन्हां दे कन्न खोलो, इन्हां कोई दा जवाब मंगो। पर मैं इत्थे भी दस दवां कि इन्हां लोकां नाल गल करन नाल अज मैनूं कोई अफसोस नहीं होया, चाहे वह किसी भी पार्टी नाल संबंधित रहे, कि गैरत इतनी है कि अपने लिए किसी धर पर झुका नहीं, गैरत इतनी है कि अपने लिए किसी धर पर झुका नहीं, बेगैरत इतना हूं कि अवाम के लिए कोई दर छोड़ा नहीं। अखीर च मैं कह के समाप्ति कर लगा कि जेड़े लोग अपने गुरु नूं इंसाफ नहीं दे सके सौहा खा के, वह जनता नाल की इंसाफ करनगे। ब्यूरो रिपोर्ट, चढ़दी कला, टाइम TV।